100 करोड़ की लागत से बनने वाली अंबिकापुर की रिंग रोड अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। रिंग रोड से उड़ने वाले धूल का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी दिखाई दे रहा है, तो वहीं रिंग रोड के किनारे निवास कर रहे लोग अब काफी परेशान हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वयं रिंग रोड का निरीक्षण करने के बाद नगर निगम और सड़क विकास निगम को सख्त निर्देश दिए थे, बावजूद इसके उन पर अभी तक कोई असर दिखाई नहीं दिया। यही कारण है कि आज भी रिंग रोड में जगह जगह डस्ट का ढेर लगा हुआ है। समस्या तो यह है कि वजह धूल इतना है, बच्चों को भी डस्टिंग इतनी हो रही है, हमारे को भी एलर्जी इतनी। मैं भी अभिलासपुर से चेकअप करा के आई हूँ, तो थोड़ा सा भी आराम है, और सारा दिन धूल उड़ते रहता है, कोई सफाई भी नहीं है यहाँ रोडों में, कोई झाड़ू नहीं, सफाई नहीं, कि पानी डालें कुछ करें कि कोई धूल बैठे, कोई अब किसको बोलें। सभी को मिल के एक पूरा 11 किलोमीटर का साथ में राउंड किए और माननीय मंत्री जी के द्वारा निर्देशित किया गया कि जो कंस्ट्रक्शन डिब्रीज है वो सड़क विकास निगम उसे जल्दी से पहल करके ठीक करे, और उसके बाद में फिर निगम का काम शुरू होता है सफाई का। काफ़ी दिनों से आदेशित करने के बावजूद ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अभी इसमें तेजी आई है माननीय प्रभारी मंत्री जी के दौरे के बाद में। तो वही रायसेन के बेगमगंज